हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जहाँ भी होंगे सभी और सुरक्षित होंगे। तो सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग। तो सुबह का बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ हमेशा की तरह। सर्दियों में तो इतना 4:30 बजे उठना चाहती हूँ पर 5 बज जाते हैं, नहीं उठ पाती हूँ। 2 मिनट के लिए लेटो तो आधा घंटा लेट हो जाता है, तो 4:30 के अलार्म लगाओ तो 5 बज जाते हैं। और भगवान जी का प्रणाम करके मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मेरा रोज का रूटीन यही है कि मतलब पहले मैं आके मंदिर का पर्दा ही हटाती हूँ, भगवान जी का दर्शन करूँगी, उसके बाद तुरंत किचन किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। वैसे तो मैं शाम को ही साफ़ कर लेती हूँ रात को ही, लेकिन फिर भी सुबह थोड़ा सा बासी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कहते हैं ना किचन में माता अन्नपूर्णा रहती हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं और जो हमारा निगेटिव ही रात को फैलता है तो वो चीज़ नष्ट हो जाता है कहते हैं, तो ऐसा करने से। तो ये मंगलवार का है ब्लॉग जो आज स्टार्ट हो रहा है, आज अपलोड हो रहा है। और मैं किचन की सफाई करके और पानी लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स, पानी पीऊँगी। और इधर मतलब बिस्तर वगैरह इधर ठीक कर दी हूँ। और इस ठीक क्या करना होता है, इसमें कोई रहता नहीं है तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। और मैं सोच रही थी पर्दे हटा दूँ तो इधर खिड़की खोल दूँ, लेकिन बहुत तेज़ आज हवा चल रहा है तो मैंने सोचा नहीं हटाती हूँ, पर्दा सिर्फ हटाई खिड़की नहीं खोली। और आज डंडे वाला पोछा भी टूट गया तो मैं हाथ से लगा रही हूँ, तो हाथ से मतलब बैठ के लगाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं बैठ के कोई भी काम जल्दी नहीं कर पाती हूँ, मुझे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब जैसे तैसे मैंने पोछा तो कर दिया है और अब नहा के आ गई हूँ। तो मैं कर रही हूँ गंगा जल का छिड़काव घर में, पूरे घर में मैं गंगा जल से छिड़काव कर देती हूँ। और ये मंगलवार को अक्सर ही करती हूँ, रोज़ तो नहीं हो पाता है इतना सारा विस्तार पूर्वक, लेकिन मंगलवार को तो मैं करती हूँ पूरा और जल्दी उठ भी जाती हूँ। आज तो थोड़ा लेट हो गया है और कहीं किसी को जाना भी नहीं था तो लापरवाही भी था थोड़ा सा कि अच्छा चलो आराम से कर लेंगे। तो अब इस समय बज चुके हैं हमारे 6, तो हम 6 बजे नहा के आ चुके हैं और गंगा जल का छिड़काव करके बाहर जल वगैरह दे के भोलेनाथ जी को, सूर्य नारायण को, तो मैं आ गई हूँ मंदिर में। थोड़ा सा हनुमान जी के लिए पाठ वगैरह करूँगी और हवन के लिए इधर मैंने लक्कड़ भी थोड़ा सा जला दिया है, थोड़ा सा ही रहता है लक्कड़ में, हो जाता है तो आदत हो गई है। और एक माला भी फेरती हूँ, एक माला फेरना ही चाहिए हर बंदे को, अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है तो आप एक माला ज़रूर रोज़ फेर लीजिए। ये होता इससे होता है कि मन को संतोष होता है कि भाई हम इतना बार भगवान के नाम लिए हैं। तो ये सेब था, उसका भोग लगा दिए सेब और मूंगफली दाना का भगवान जी को। और अब हवन स्टार्ट कर रही हूँ। तो हवन को तो वैसे ही मतलब अगर चाहो आप कि हम कितनी बार करते हैं, जैसे ही 108 एक बार, ये 108 बार आहुति देना है तो इसके लिए आप मूंगफली दाना गिन के रख सकते हो। तो जितनी बार आप आहुति दो एक मूंगफली दाना इधर कर दिया करो, तो इस तरह से हो जाता है 108 बार। क्योंकि दो लोग रहते हैं ना तो दो लोगों में होता है कि एक लोग मारा फेर लिया, एक लोग इस कर लिए। तो अब हो गया आरती करने के टाइम आ गया, तो मैं करूँगी आरती। और इधर अम्मा भी आ गई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि ये हटे तो मैं जाऊँ। मेरा पता नहीं क्यों अम्मा इंतज़ार करती हैं। और कहो भी, मैं कई बार बोली कि अम्मा मैं आप अपना काम करिए, मैं अपना कर रही हूँ, आपको लेट हो जाता, बट मानती नहीं, हाथ जोड़ के इधर साइड में खड़ी हो जाती। मतलब शुरू से स्टार्टिंग से है, इतने सालों बाद मतलब यही रहता। मैं मंदिर में पूजा करती हूँ तो अम्मा नहीं जाती हैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने। तो मेरा हो गया, भगवान जी को थोड़ा सा प्रणाम करूँगी अच्छे से आज। तो हमारा पूजा भी कंप्लीट हो गया, ये हमारे भगवान जी लोग बैठे हुए हैं और हवन इधर बहुत अच्छे से आज जल गया था। और ये हवन का जो धुआं है ये पूरे घर में फैला देती हूँ, रोज़ तो नहीं हो पाता लेकिन मंगलवार में मैं थोड़ा सा धुआं पूरे घर में फैला दी हूँ। अब अम्मा कब पूजा करेंगी, तब तक मैं छोटे मोटे जो काम है तो इनका अब दिन ड्यूटी ख़त्म हो गया, तो इनका टिफिन जो है ये मैं लगा दूंगी किनारे से कि रख दूंगी, क्योंकि एक फिर एक 24 दिन तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं इसे साइड में रखूंगी। और बथुआ का साग भी मैंने काट लिया है और इसे बनाऊंगी छोटे छोटे आलू के साथ। अगर बक्से पे है ना तो सारा सामान मैं यहीं पे लगा देती हूँ। और चाय नाश्ता हो चुका है, अब बनाऊँगी खाना। तो अब 11 बज चुके हैं, खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और ये बनाऊँगी बथुआ का साग, मैंने सुबह ही काट कर रख दिया था।
और इसे मैं भर के बाल्टी पानी में धुलूँगी, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से धुलना पड़ता है। तो जब बाल्टी में पानी ज़्यादा भर देते हैं ना, तो इसमें ये होता है जो तुम्हारा मिट्टी रहता है, बालू रेता रहता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो मुझे इस तरह धुलना अच्छा लगता है, और वैसे मैं नहीं धुलती हूँ, क्योंकि जब खड़े धुल देते हैं तो उसमें गीला गीला हो जाता है, तो काटते से नहीं बनता है। तो इसलिए मैं इसे काट के ही भर के बाल्टी पानी में या टब में मैं धुलती हूँ। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ लहसुन और सूखे मरचा का तड़का ही लगाऊँगी, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए, मैं लहसुन मरचा का ही तड़का लगाऊँगी, बाकी नमक के अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। आप चाहो हींग डाल सकते हो, हाँ हींग डाल देंगे थोड़ा सा, लेकिन बाद में डालेंगे, वरना इसका जो स्वाद होता है ना हींग का, तो जल जाता है सब्ज़ी के साथ, तो मैं बाद में ही इसमें डालूँगी। तो जब गल जाएगा तो डालूँगी इसमें, और एक आलू दो डाल दूँगी, छोटे छोटे आलू अम्मा मंगवाई थी ना, तो वो भी मैं डाल दूँगी। आप इस तरह बनाओगे, बहुत टेस्टी साग बनता है। सिर्फ लहसुन मिर्चा का तड़का लगा के बना लीजिए, तो बनेगा दाल चावल और ये साग, रोटी और मरचा बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि साग के साथ बना हुआ मुझे साग मरचा रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है, हरे वाले जो होते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो वो बनाऊंगी। बस यही हमारा साग है, इसे मैं ढक दूंगी और बाद में थोड़ा सा इसमें आलू डाल दूंगी। तो ये 2 मिनट हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी आलू। देखिए पानी कैसे निकल गया है, तो मैं पहले डाल देती ना तो ज़्यादा गल जाता है आलू, तो थोड़ा बड़े बड़े में, जैसे छोटे आलू तो एक में दो ही कर दिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं, एक में दो कर दिए हैं। बाकी अब साग और दाल हो रहा है, तब तक ये जो हमने तिल का लड्डू बनाए थे ना, तो ये डब्बे निकाले थे, तो अब तो लड्डू तो ख़त्म हो गया कई दिन पहले ही, लेकिन ये डब्बे पड़े रह गए थे, तो मैं अब आज धुल के इसको सुखा के रख दूंगी। और सारे बोतल भी पानी वाले खाली पड़े हैं, तो इनको भी मैं धुलूंगी या थोड़ा सा क्लीन करके रख दूंगी, सारे मतलब पानी भर दूंगी और ये डब्बे मैं सुखा के रख दूंगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें, जैसे गुजिया बनाए तो रख दिए, लड्डू बनाए तो रख दिए, जब कोई चीज़ें बनते हैं ज़्यादा तो इसमें रखने में मुझे काम आते हैं, तो ये मैं बहुत हिफाजत से रखती हूँ कि मतलब रहेंगे। और हमारा साग हो चुका है, गैस करेंगे बंद और साग हो गया। अब मैं थोड़ा सा और काम करके कपड़े उपड़े सुखा लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, जब ये लोग आ जाएंगे चावल रोटी तब बनाऊँगी। ये बाप बेटे लेट तक सोते हैं, तो उठने में लेट हो जाता है, तो मैं जब ये लोग नहाने जाएंगे तब मैं चावल बनाऊंगी, वरना ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो लगा लेंगे आटा, और किचन की थोड़ी साफ़ सफाई कर दूंगी, सारा काम हो जाएगा, बस खाना खाना रहेगा, मैं तभी मतलब बनाऊंगी जब ये लोग आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का देखिए, सुबह से स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा काम करके ही मतलब पूरा दिन ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो हमारा खाना वगैरह हो चुका है, तो मैं लगा दूंगी किचन में थोड़ा झाड़ू, क्योंकि घर तो नहीं गंदा होता बट किचन तो हो जाता है। बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा काम सुबह का हो गया है, अब ये दोपहर का समय है, तो मैं ये कुछ कुर्तियाँ आई थी, मम्मी ने दिया था, मैंने इसे दिखाया था अपने किसी ब्लॉग में आप लोगों को, कि मतलब ये मम्मी ने भिजवाया है, तो अब जाना है मम्मी के घर, तो मैं ये कुर्तियाँ मतलब साइज तो वही है मेरी, जो एक्सल साइज मेरा लगता है वही है, पर ये इसमें साइज वही है, लेकिन फिर भी ये तो 2-2 इंच ये बड़े हो गए हैं, तो मैं इसे 2-2 इंच से दबा रही हूँ, और मैं इसे कट नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही सिल दूँगी, कभी मोटे हो गए तो क्या होगा। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा कर दूँगी, 3 हैं तो तीनों को मैं इस तरह से करूँगी। और साइज देखो, इसकी साइज है, ये भी एक्सल है, लेकिन इसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट था ये, एकदम सही था, कोई भी इसमें कमी नहीं, बिल्कुल हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। और ये भी यही साइज है, लेकिन इसमें 2-2 इंच ज़्यादा है, तो ये मुझे लगता है कंपनी का होता है, जो कंपनी के कुछ कंपनियां बड़ी बनाती है साइज, कुछ छोटी बनाती है, तो ये बड़ी छोटी साइज के वजह से ये हो रहा है। तो आज मतलब सुबह का सारा काम मेरा हो चुका था, मैंने सोचा चलो अच्छा इसको आराम करने से पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि जब थोड़ी देर सो हो जाओ तो फिर नहीं, जब उठो तो ना मन नहीं करता है कुछ भी करूँ काम, तो मैं इसको अब कर रही हूँ आज सारी चीज़ों को, देखिए 2-2 इंच में दबा दूँगी तो ये सही हो जाएगा। और इसका, इसके साथ का तो प्लाजो है गोल्डन कलर, और इसका तो अपना ही इसी कलर का पैंट है, इसे तो मैंने पहना भी है, आप लोगों ने देखा होगा जब आश्रम गए थे,
तो वहाँ पे तो इसको मैंने पहन लिया था, तो ये बहुत सही था। तो वही देख रहे थे कि दोनों का सेम साइज है, लेकिन पहनने में इतना ज़्यादा डिफरेंस, दो दो इंच बड़ा कैसे हो सकता है। और इसका तो गोल्डन ये प्लाजो है, और इसका तो अपना इसका पैंट है, इसी का मुझे सोचना है। तो मैंने इसे इसका भी लेगी प्लाजो कुछ भी, इसका मम्मी को फोटो भेज दिया है मैंने उनसे, बोल मतलब अभी बोले नहीं, भी फोटो भेजे हैं, भाभी को भेज दिए हैं, तो वो ले आएंगी कुछ इसका प्लाजो पैंट जो भी है। तो वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है ढूंढने में, और यहाँ पे उतना अच्छा चीज़ें भी नहीं मिल पाते हैं जो वहाँ पे मिल जाता है इतनी आसानी से। तो इसलिए मैंने इसका बटन का ही साइज मतलब भेज दिया है कलर, तो वो ले आएंगी। अभी मैं फ़ोन करने वाली हूँ कि भाई देख लेना। और दो मैंने हैनिक भी मंगवाया है जिस कलर का, कहाँ लॉज में रहा इसका, अगर सर्दी रहा तो मैं हैनिक पहन लूँगी साड़ी के साथ, तो वो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैंने मंगवा लिया है, क्योंकि तो स्वेटर उतना अच्छा नहीं लगता है शादियों वादियों में, तो ये इसके लिए मैं मंगवा रही हूँ हैनिक। और ये हमारा इसका, तो ये सब हो चुका है, मतलब इसको टाइट दो दो इंच मैंने कर दिया है, इसका भी कर दिया है। तो अब चलते हैं, इसे रख दूँगी प्रेस करके, सारे पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ कि चले जाऊँगी जल्दी ही, तो मम्मी लोगों को आने से मतलब आने के दो दिन बाद, 5-6 को मम्मी लोग आएंगी, मैं सोच रही हूँ 7 को मैं चली जाऊँगी मम्मी के घर, तो थोड़ा मम्मी का भी हेल्प हो जाएगा। महारुद्रेक में सब आ रहे हैं घर पे सबका, तो अभी तो मम्मी ही आ रही हैं और कोई नहीं आ रहा है, तो उसी में मुझे जाना है। तो इस सारी तैयारियाँ चल रही है। तो आज खाली मतलब